तो अभी हमें बोला गया कि बोनट पे चढ़कर शूट करने हैं, अभी अभी गाड़ी ये इतनी गर्म है, जल्दी हम दोनों पूरी तरह से पीछे से। तो आज बहुत ही सारे लोग मेरे साथ आए हैं हेड शेव करवाने के लिए और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हेड शेव तो होगा ही, बहुत सारा मजा मसाला भी होने वाला है और साथ में बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी कि कैसे आप जल्द से जल्द पतले हो सकते हैं। जो पतले हो चुके हैं वो अपने बारे में बताएंगे और जो पतले होने आए हैं वो भी अपने बारे में बताने आएंगे। अगर आपको भी इन सब की तरह पतला होना है और अपना वेट कम करना है, अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो इंडियन वेट लॉस डाइट को फॉलो कीजिए। एक ही महीने में आपका 12 से 15 किलो तक वेट बहुत ही आराम से कम करवा दूंगी और आपकी लाइफ इन सब की तरह पूरी की तरह बदल दूं। आज हेड शेव की क्या जबरदस्त तैयारी हुई है, दो दो लाल गाड़ियां, ऊपर से मेरे साथ समैंथा। अब हमारी चेयर्स लग चुकी हैं हेड शेव की, तो पहले देखते हैं समैंथा करवाएगी या फिर मैं करवाऊंगी। और बार्बर भैया भी अपने पूरा सामान लेकर कर चुका है तैयार अपने आप को हमारा हेड शेव करने के लिए। तो आप सोच कर बताएं कि आज वीडियो में लास्ट तक समैंथा का हेड शेव होने वाला है या मेरा या फिर किसी और का भी हेड शेव हो सकता है, जो हमारे साथ बहुत सारे लोग आज आए हैं शूटिंग के लिए। तो चालू करते हैं हेड शेव। समैंथा आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ यहाँ आके, मतलब ऐसी इतनी मस्त खुले आसमान के स्पॉट पे आप जब ये बाल निकालोगे और कितनी ज्यादा टाइम लगेगी आपको, और इतनी मजेदार फीलिंग यहाँ पर ऑलरेडी आ रही है। और हेड शेव करवा कर तो ओ हो क्या मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि समैंथा का करवा ही दे, बहुत बार से मैं दिखाती आ रही थी करवाएंगे। तो ये है समैंथा के लंबे लंबे बाल जो अभी जाने वाले हैं। अभी आप लोगों को मेरा हेड शेव देखना है या समैंथा का हेड शेव देखना है, जरा बताएं। लेकिन अब समैंथा का हेड शेव इस बार जरूर होगा ही। ये मेरा फोर्थ टाइम मैम के साथ मैं मैम का हेड शेव देख रही हूँ, तो इस बार मैं देखती हूँ क्या मैं अपना मन बना लूंगी। तो आखिर तक आप सब देखते रहो कि समैंथा इस बार क्या हेड शेव कराने वाली है या नहीं। समैंथा ने मुझे घर में बोला था कि मैम अब की बार चलते हैं, पहले मैं आपको देखूंगी, फिर अगर मैं मोटिवेट होगी तो मैं भी फाइनली करवा लूंगी। तो देखते हैं लास्ट तक समैंथा की क्या फीलिंग्स आती है, मेरे जैसी फीलिंग समैंथा लेना चाहती है या नहीं। पतले होकर तो समैंथा मेरे जैसी फीलिंग्स लगभग ले चुकी है, अब देखते हैं कि हेड शेव ये कितनी बार में करवाने वाली है। तो भैया आप शुरू करो। अब आप सब मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? पिछली बार जब मैम पार्लर में थी तब मैंने इनको बोला था ये चांद लग रही है पार्लर में बाकी लाइट्स के साथ, बिल्कुल पूरा सफेद सफेद निकल रहा है, जैसे चांद निकल रहा हो। बोरो इस बार मैम खुले आसमान में और ऐसे लग रहा है सूरज यहाँ पे आएगा। और ये सारे ऐसे ब्राउन मिट्टी में मेरे पर भी ब्राउन हो गया और ऐसे फूल आ गए अलग अलग से, तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बढ़िया फीलिंग आ रही है। और जनरली मैं एप्रन पहनती नहीं हूँ लेकिन आज मेरी बहुत ही एक्सक्लूसिव ड्रेस है तो मैं खराब नहीं करना चाहती, तो इसलिए अभी एप्रन पहना है। तो आपको कैसा लग रहा है पैडी, यहाँ पर आ जाओ। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली समैंथा चार बार आपके हेयर कटिंग देख चुकी है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो अभी देख सकते हैं कि कितने हेयर कटिंग में मेरा कितना कम होता है, उसका एक्साइटमेंट मुझे ज्यादा है। भैया मेरे पे पानी ना फेंकना। तो उस तरह से ही मजा आता है, जीरो मशीन से तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अगर आपने उस तरह से हेड शेव करवाया हुआ तो आप जरा नीचे कमेंट कर बताएं कि उस तरह से मजा आता है या फिर जीरो मशीन में मजा आता है। समैंथा के ऊपर पानी आ रहा है, मैं पानी का मजा ले रही हूँ। हाँ भैया थोड़ा अच्छे से सर गीला करके करना, कहीं आपके बार कटना लग जाए। मैंने जब दूसरी बार हेड शेव करवाया था वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इतना ज्यादा मेरे हेयर पर कट, मतलब सर पर इतना ज्यादा कट लग गया था, पूरे सर से खून आने लग गया था। तो यार इसीलिए हर चीज में ना प्रोफेशनल गाइडेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। आप कुछ भी करें साथ में प्रोफेशनल गाइडेंस का ध्यान रखिए। जैसे कि मैं अपने 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का वेट बहुत ही जल्दी कम करवा चुकी हूँ क्योंकि मैं उसमें प्रोफेशनल हूँ। मैं भी यहाँ पर बार्बर की ही मदद से हेड शेव करवाने वाली हूँ, खुद से नहीं करने वाली। अगर आपको जल्दी से वेट कम करना है तो इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है इंडियन वेट लॉस डाइट, उसको आज ही फॉलो करें और अपनी जिंदगी समैंथा की तरह पूरी तरह से बदल लें। समैंथा तेरे को क्या फीलिंग आ रही है? मेरे ऊपर तो ये पानी आ रहा है, मेरे को भी बहुत बड़ा ठंडक मिल रही है। बट मुझे आप अगर तेरे मुंह पे मार दे स्प्रे तो क्या होगा? समैंथा का मुंह मेरे को बह जाएगा। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पिछली बार रिचा मैम को, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये स्टाइल कर लो वो स्टाइल कर लो, तो रिचा मैम ने बोला था ये एस लिखवाएगी, SAM लिखवाएगी, तो लिखवाओ मेरा नाम। भगवान लिखोगे अब मेरा नाम एस जब तू करवाएगी? ये डन हुई डील, ये डन हुई डील कि जब समैंथा हेड शेव करवाएगी तब मैं एस लिखवा लूंगी, ठीक है? तो फिर अब आपको कब देखना है समैंथा? समैंथा अब आपको कब देखना है ये बताएं। तो चीटिंग हुई, मैम ने बोला था वो मेरा नाम लिखवाएंगे। धोखा हुआ मेरे साथ।
सुमित भी तो ऐसे आता है। हाँ भाई ये पता है क्या, जब वो इतने बारीक बारीक कट करते हैं ना तो खून भी आ जाते हैं अंडरकट में, तो मैं वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और आगे मुझे बिजनेस मीटिंग्स में भी जाना है, मैं क्या एस लिखवा कर घूमूंगी, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। सिंपल मैम ने तो अपने नेल्स में एस लिखवाया, आपने देखा है कि नहीं? हाँ मैंने एस लिखवाया। और किरण आपको कैसा लग रहा है हेड शेप के बारे में, आप क्या बोलना चाहते हैं हेड शेप के बारे में? मैम का फर्स्ट टाइम मैं हेड शेप देख रही हूँ, और मैं तो मैम आपको पहले भी बोल चुकी कि मेरा भी मन है एक बार, बट चलो बैठ उठ 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 किरण को बिठाते आओ किरण का हेड शेप कराएंगे हम। अच्छा बैठ जाओ, नहीं करवाएंगे नहीं। अच्छा आप लोग बताओ, कि मुझे हेड शेप करवाना चाहिए कि नहीं? देखो मेरे इतने सुंदर सुंदर बाल, कटवाओ इनको। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। टेंशन में आ गई, कटवाने पड़ेंगे। नहीं नहीं मैं करवाऊंगी, मैंने मैम को पहले ये बोला था। तो बस अभी बढ़िया बढ़िया मौका है यार किरण, अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, रिवाज भी है, हाँ सब कुछ है। पूछते हैं बताओ करवाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करवाना चाहिए, बताओ भाई करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? सारे यही कमेंट करेंगे किरण को करवाना चाहिए। लाइव मैंने भी मुझे कई लोगों ने बोला आप अपना हेड शेप मत करवाना है, वो तो ऐसे ही बोलते, झूठे हैं वो लोग तो। इवन उन्होंने कहा कि आप कटवाना मत अपने बाल, बट मैम ये तो अब आज आप करवा रहे हो ना? हाँ करवा रहे। तो सूरज नजर आने लग चुका है, सूरज? हाँ सूरज, अरे नहीं सूरज है ना, दोनों आसमान है। तो, हो रहा है। हाँ तो सूरज निकल रहा है बाहर। पैडी आपको कैसा लग रहा है मेरा हेड शेप होता हुआ देखकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आपको क्या फीलिंग आ रही है ये बताओ? डर लग रहा है? ठंडी मन हुआ फिर भी मैं नहीं करूंगा, क्यों? मुझे बाल बढ़ाने हैं। ओह माय गॉड, तो क्या आप में दम है पैडी मेरी तरह, आप हेड शेप करवा सकते हो? जरूर तो करवाओ, आपको बिठाए। दम तो है मैम, आपको देख के दम तो आ गया है, लेकिन अभी नहीं कुछ समय बाद। मतलब किरण आपने कभी कोई लड़की देखी है जिसके बाल नहीं है या फिर वो ऐसे ही इतने कॉन्फिडेंटली घूम मतलब पाती नहीं, है? नहीं ऐसे कॉन्फिडेंटली नहीं, वही मैं बोल रही हूँ। आप अभी इतने सुंदर हो गए, मतलब इतने फिट हो, इतने पतले हो, अभी पहले हमको अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट लाना है कि हम उतने सुंदर हो जाए, फिर हमको इसकी इसकी सुंदरता की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस तो है आप में, लाओ भैया इनकी पहले बीच में ही बारी करवा देते हैं। भैया इनके काट दो बाल, मेरे को तो लग रहा है आज मैम मेरा इतना आधा निकलवाएगी। और यार उस तरह की ना आवाज आ रही है कानों में बड़े दिनों के बाद, तुम लोगों को आ रही है? सुनो ध्यान से, खच 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 आ रही है ना, खच खच खच, कैसी आवाज आ रही है? ठीक है अभी अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स का कितना ज्यादा ज्यादा वेट कम हुआ है। समंता आपका कितना वेट कम हुआ है? मेरा 4 महीनों में 25 किलो से भी ज्यादा वेट कम हुआ है। ओह माय गॉड। किरण आपका? मेरा 2.5 महीने में 22 किलो के आसपास कम हुआ है। बहुत ही बढ़िया। और पैडी आपका? मेरा 7 दिनों में 6.6 kg लूज हुआ है। और मोहन आपका? अभी यहाँ पर मोहन आ रहे हैं हीरो टाइप। और मेरा कम हुआ है 2 महीने और 17 दिन में 26 किलो कम हुआ है। ओ माय गॉड। तो मोहन आपको क्या फीलिंग आ रही है? मोहन का पेट देखो अंदर जा चुका है। हाँ बताओ मोहन आपको इतना वेट कम कर क्या फीलिंग आ रही है? ये जो पैंट पहनी है, ये जो शर्ट पहनी है, ये पहनकर कैसा लग रहा है? अभी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल की, मतलब अभी कुछ भी करने के लिए बोले कर दोगे। हाँ पहले देखिए आज शर्टलेस बीच में मैं मतलब घुमा, बहुत ही घुमा, मतलब मजे बहुत किए, लेकिन पहले ऐसा मतलब हिम्मत था ही नहीं कि हाँ ये सब करूँ बोल के, बट हाँ आज मतलब दिल खोल के एंजॉय किया, मतलब बहुत ही मजा आया आपको, मतलब ठीक है। और आप हेड शेप करवा सकते हो ऐसे मेरी तरह? हाँ, बट, हम कर सकते हैं फिलहाल नहीं कर सकते फिलहाल नहीं करा सकते, ठीक है। और अब मैं मिलवाती हूँ अंजलि से। अंजलि आओ। अंजलि आपका कितना वेट कम हुआ आप बताओ? अरे 1 मिनट, 3 kg वेट लॉस किया है। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप जल्द से जल्द पतला क्यों होना चाहते हो ये बताओ? इंडिया वांट टू नो। मुझे ना मतलब अपनी हेल्थ भी सुधारनी है, मेरे वेट की वजह से मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ गए, और मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, साड़ी भी पहननी है। साड़ी पहनने का बहुत शौक है, शादी भी करनी है भाई, शादी करने के लिए जल्दी जल्दी पतला पतला होना है। चलो ठीक है, अब मैं एक एक कर पूछती हूँ। तो पैडी आप अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहते हैं? सुंदर, मेरा ख्याल रखने वाली, और दिखने में स्वीट, सिंपल, क्यूट, हाइट से लेना देना नहीं, बस पतली होनी चाहिए। बस पतली होनी चाहिए, पैडी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं मोहन पर, जो बहुत ही ज्यादा हॉट लिस्ट पर है। मोहन आपको कैसी दुल्हन चाहिए? मुझे कैसे भी चलेगा, बस मेरा मम डैड को पसंद आना चाहिए बस। तो मोटी चलेगी? हाँ बहुत मोटी। मुझे भी कैसे भी चलेगी, मोटी हुई पतली हुई, अभी तो रिचा मैं पतले करवा दूंगा आराम से, मतलब। ओह माय गॉड, तो ये मोहन वाला कॉन्फिडेंस चाहिए कि अगर बाय चांस मोटा लाइफ पार्टनर भी है तो वो इंडियन वेट लॉस डाइट से बिल्कुल पतला करवा देगा, क्योंकि मैं इतना इजीली कर चुका हूँ तो हो ही जाएगा। ऊपर से मैं भी गाइड करूंगा, ऊपर से मैम सर है ही।
बहुत ही बढ़िया। तो भाई अगर आपको भी अपने पार्टनर्स को जल्दी से पतला करना है, उनकी लाइफ भी चेंज करवानी है, तो अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट पर इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल लीजिए। और अंजलि आप बताओ आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? केयरिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फिर बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कितना? मोहन जितना, पैडी जितना? मोहन जितना। मोहन जितना, ओह माय गॉड, मतलब मोहन जितना नॉर्मल कैटेगरी में आता है। चलो ठीक है आगे चलते हैं। किरण आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? मेरा भी स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, मतलब हेल्थ है तो सब कुछ है मैम। ठीक है बहुत ही बढ़िया। और आगे चलते हैं समेंथा के पास। समेंथा के पास, तो समेंथा जी आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए जरा ये बताएं। मेरा लाइफ पार्टनर तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पतला है जिसके लिए समेंथा पतली हो रही है, जिसके लिए मैं पतली हो रही हूँ। और हाँ वो तो बहुत प्यार करता ही है, प्रिंसेस की तरह रखता है, तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। माय गॉड, तो देखो इन सबको पतला चाहिए और समेंथा पतली हो रही है क्योंकि उसका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा पतला है। और समेंथा अब आपका पार्टनर क्या बोलता है आपको देखकर? मेरा पार्टनर तो बहुत ही ज्यादा खुश है यार, मैं क्या बोलूं बहुत ही ज्यादा खुश है। और लगभग मेरा पूरा बाल हो गए हैं बात करते करते, बस यहाँ पर रह गए। हाँ थोड़ा खून निकला, थोड़ा बहुत तो निकलता ही है, लाल भी हुआ है, हल्का बहुत होता ही है यहाँ यहाँ से। और तुम सबको देखकर क्या लग रहा है? ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं बंदर का कुछ दूँ हूँ अलग से, और सारी की सारी प्रजातियाँ ऐसे मेरी तरफ देख रही हैं और मेरे को कॉन्शियस फीलिंग आ रही है। जरा आप नीचे कमेंट लिखकर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मुझे देखकर। और ये ऐसे इतनी सारी आंखें, वहां वहां दूर दूर तक भी आंखें हैं जो मुझे घूर रही है, और मुझे बहुत ज्यादा शर्म नहीं आ रही, मेरे को तो आदत है। आपको देख के कैसा लग रहा है नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। हाँ किरण आप बोलें। मैं ना फर्स्ट टाइम देख रही हूँ किसी फीमेल का हेड शेव होते हुए, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा ज्यादा अच्छे, क्योंकि अभी तक मैंने केवल बच्चों का देखा है, मुंडन के फर्स्ट टाइम। मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी यहाँ है। बहुत प्यारे, बैठो बैठो, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। मतलब भैया अब मेरे पास इनकी बारी है, ठीक है? हाँ भैया। छोटा छोटा सा मुंह रहता है ना बच्चों का, जैसे गोल गोल वैसे ही मैम भी लग रही है। भाई अब समेंथा ने तो करवाया ही नहीं करवाया, चलो छोड़ो, लेकिन किरण करवाएगी। भाई आप नीचे वोट करके पूछो किरण करेगी ना करेगी, जल्दी से बताएं, फिर अगली बार तो मैं किरण का करवा ही दूंगी, मैं इस बात की गारंटी देती हूं। ज्यादा वोट आए तो मैं करवा लूंगी, बट सच्ची सच्ची वोट करना एकदम। अमाउंट बताओ ज्यादा, मतलब कितने अंक यार? अब मैम के तो इतने सारे स्टूडेंट है, बट ये पता चले मैं बोलता हूं ज्यादा, मतलब पांच। अच्छा पांच तो हम अभी करवा देते हैं, यहाँ पर पांच लोग तो है ही। कौन यहाँ पर हेड शेव करवा सकता है, हाथ उठाकर बताए। पैडी तो करवा सकता है, वो तो करवाया है, मैंने तो फोटो देखा है। एक बार हाथ उठा लिया, उठा लिया किरण ने हाथ उठा लिया, अभी तेरा हाथ उठा, तेरे को पूरा उठा दे रही हूं। समेंथा आज सोच रही है कि उसका बदला बच गया और कोई ना कोई दूसरी पार्टी आ गई है बलि का बकरा बनने के लिए। और यार मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम सब करवा लोगे ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, इतनी मजेदार फीलिंग आती है ना हेड शेव करवा कर कि मैं क्या बताऊं। ठंडा लगता है ना? अरे यार इतना ठंडा ठंडा, कूल कूल, इतना मजेदार। अच्छा देखो वेट कम कर किस किस को अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत, ठीक है सबको अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे ही हेड शेव करा कर भी बहुत ही ज्यादा अलग दुनिया का मजा आने वाला। और मुझे लग रहा है मम्मी का पूरा मन बन गया करवाने का। भैया मेरे को दर्द तो नहीं होगा? नहीं कोई दर्द नहीं होने वाला, हो जाएगा। हाँ ठंडी लगेगी आपको? अरे क्या फीलिंग आती है ना, इतना ज्यादा मजा आता है कि मैं बता नहीं सकती। और एक बार हेड शेप आप भी जरूर करा कर देखें, आपको इतनी बढ़िया फीलिंग आने वाली है, ठंडा ठंडा कूल कूल, और इस बालों से आजादी। मुझे लोग बोलते हैं कि अगर बाल नहीं होते औरत के तो वो सुंदर नहीं लगती, वो खूबसूरत नहीं लगती, वो समाज में अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहती, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं प्रोफेशनली भी पर्सनली भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, और मुझे बाल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे बाल अब पसंद भी नहीं है क्योंकि मैं अपने आप को इस बालों से आजादी दे चुकी हूं। अगर आप भी अपने आप को बालों से आजादी देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपके साथ हेड शेव करवाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। बट हां फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट नहीं चाहिए मुझे। मैम लेकिन मुझे लगता है कि बाल हेड शेव ठीक है अच्छा, वो तो करवाना, वो एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको हेड शेव करो। मेरे में भी है, मुझे भी बहुत मन है, सच बता रही हूँ, मुझे वैसे भी मन था एक बार करवाऊंगी, लेकिन मैम वेट इतना ज्यादा है ना कि हेड शेप करोगे तो पहले इधर भी नजर जाएगा, इधर भी नजर जाएगा, तो कोई बात नहीं, दोनों एक साथ कम कर लो। हाँ, पेट भी कम कर लो, बाल भी हटा दो। पहले मैं ये कम करना चाहूंगी आपके साथ, फिर उसके बाद अपने ये हटा। चलो ठीक है, तो भाई अब की बार आप किरण को देख लें, और सिर्फ 3 महीने के बाद किरण को आप देख लेना, किरण बिल्कुल बदल जाएंगी। If I could have a chance, I'd love you. And when you're not around, I miss you.
और किरण भी पतले होकर मेरे साथ हेड शेव करवाना चाहती है, तो भाई वोट करें कि जल्दी जल्दी किरण पतली हो, डेली डेली किरण का वेट कम हो, प्रेयर करें और किरण अपने आप को आपको प्रूफ कर दिखाएगी दिखाएगी। बहुत ही बढ़िया, तो किरण के लिए जोरदार तालियां। मैं भी। तो बिहाइंड द सीन मैं आपको बताती हूँ सच में कि इन सब में से ना कोई भी नहीं कराने वाला, इन सब ने मुझे घर में प्रॉमिस करा था कि ये सारे मेरे साथ हेड शेव करवाने वाले हैं, लेकिन आखिर मैं ही यहाँ पर रह गई हूँ। तो मैं अब सुमित को बोलूंगी, सुमित प्लीज आप ही करा लो, कोई तो कराए मुझे, ऐसे अकेले वापस नहीं जाना। मैं और अंजलि दोनों तरह से पकड़ लेते हैं ऐसे, वाह वाह पेड़ खाओ गए। नहीं 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 नहीं, और पिछली बार नो, पिछली बार मुझे एक बार हेड शेव में किसी ने फिटकरी लगा दी थी भैया, वो 10 दिन तक जलता रहा था। तो अगर आप भी हेड शेव करवाते तो बिल्कुल भी फिटकरी ना लगवाएं, बहुत ज्यादा जलन होती है। उससे ज्यादा तो मैं अफोर्ड करती हूँ कि थोड़ा सा खून ही निकल जाए, कोई भी बात नहीं है, इतनी ज्यादा जलन नहीं होती, लेकिन फिटकरी लगाने से बहुत ज्यादा जलन होती है। अगर आपने कभी फिटकरी लगाई है तो नीचे कमेंट कर बताएं, ताकि मैं भी आपके एक्सपीरियंस से और ज्यादा सीख सकूं। भैया आप क्या कहते हो, मुझे बाल कटवाने चाहिए या नहीं? एक बार और अच्छा आ जाएगा बाल। क्या मतलब, क्या कहते हो आप? आपका अभी देखो बाल फुल शो करेगा, आपको डैंड्रफ नहीं आ सकते। अच्छा, बाल झड़ने का अपना बाल बंद हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हो यार, मुझे हेड शेव कराना चाहिए या नहीं, ताकि मेरे और भी बढ़िया बढ़िया बाल उग जाए। समंथा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बार बार भैया से, हर किसी से पूछ रही है कि कहीं से इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और वो ये करवा ले। और मैं सच बता रही हूँ, ये भी ना एक सोच है कि आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं लगेंगे, खूबसूरत नहीं लगेंगे। समंथा को ऐसा लग रहा है कि अगर वो हेड शेव करवा लेगी तो वो सुंदर नहीं लगेगी, खूबसूरत नहीं लगेगी और ज्यादा बढ़िया नहीं लगेगी, या फिर उसके दुनिया में उसके घर वाले उसके भाई बहन उसको क्या बोलेंगे। मैं भी दुनिया में रहती हूँ, मुझे कोई कुछ भी नहीं बोलता। क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपना हेड शेव करवा सके और दुनिया को कर दिखा सके, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और बहुत सारी फीमेल से मैं अब मिली हूँ जिन्होंने हेड शेव करवाया है और ये कर दिखाया है, वो मैरिड है, वो सोसाइटी में रहती है, उनके बच्चे भी हैं और तब भी वो हेड शेव करवा पाई और बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर घूम रही है। हम एक सोच बदल रहे हैं, और मैंने जब ये सोच चालू करी थी मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा मोटिवेशनल सोच होगी कैंसर पेशेंट्स के लिए, एलोपेशिया वाले लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो बालों में सिर्फ बाल उगाने के लिए केमिकल्स लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। मुझे देखकर बहुत सारे लोग सीखे और आगे बढ़कर सामने आए, ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और अब देखते हैं कि समंथा का दिमाग कब खुलेगा, समंथा अपने दिमाग का ढक्कन कब खोल पाएगी और कब हेड शेव करवा पाएगी आगे बढ़कर। और उस दिन का मैं सच में इंतजार कर रही हूं, लेकिन हां हम फोर्स नहीं करते किसी को भी, समंथा की चमड़ी होगी तब वो करवाएगी। ठीक है, तो आज आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हमारा जबरदस्त हेड शेव आपको कैसा लगा, और आपको समंथा ज्यादा अच्छी लग रही है या मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, ये भी कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता तो चल सके कि असली बालों खूबसूरती इस बालों में ही है या बिना बालों की भी मैं आपको खूबसूरत लग रही हूँ। Really?